गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी आपको सुनने में कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी के पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनते वक्त आप एक काम ज़रूर करें कि ईयरफोन का उपयोग करें, इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने ना आज अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये जो कहानी है ये मेरी दोस्त ने मुझे भेजा है, वो उसकी ज़िंदगी की सच्ची कहानी है जो मैं आपको बता रही हूँ। मेरी दोस्त का नाम रेशमा है। रेशमा कहती है बात आज से करीब एक साल पहले की है। उस वक्त मेरे शादी को हुए करीब 3 साल हो चुके थे। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो उस वक्त मैं 21 साल की थी, अभी मैं 24 साल की हूँ। शादी मेरी थोड़ी कम ही उम्र में हो गई थी क्योंकि मेरे काफ़ी चर्चे थे, कॉलेज से लेके स्कूल से लेके और घर वालों तक भी ये चर्चे पता चल गई। कैसे चर्चे ये तो आप समझ ही रहे हैं ना, इतने तो आप इंटेलिजेंट हैं ही। तो अब हुआ कुछ यूँ कि क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेरा हल्ला था तो घर वालों ने मेरी जल्दी शादी करने की सोची ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सच कहूँ तो मेरे घर वालों को लगता था कि कहीं मैं भाग कर किसी और से शादी ना कर लूँ, इसलिए मेरी शादी पहले ही कर दी। जिससे मेरी शादी हुई वो शख्स मुझसे उम्र में करीब 10 साल बड़ा था। उस वक्त मैं 21 की थी और वो 31 साल का। मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि ना उससे मेरी बातचीत मिलती ना मेरी सोच, बस वो अच्छे पैसे कमाता। घर वालों ने कहा किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, तुम शादी के लिए हाँ बोल दो, और ना चाहते हुए भी मुझे शादी के लिए हाँ बोलना पड़ा। मैं तो बस इतना चाहती थी कि जो इंसान हो वो मेरे साथ काफ़ी अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। खैर फिर मेरे शादी के बाद कुछ दिनों के बाद ही मुझे पता चल गया मेरे पति बहुत बोरिंग इंसान है। उनके लाइफ में पैसे कमाने सबसे ज़रूरी है और शायद इसीलिए उनके पास इतने पैसे थे। खैर ये तो था कि मेरे पति मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते, जैसे कि अगर मुझे कहीं भी जाना हो या फिर कुछ भी खरीदना हो किसी भी चीज़ की नहीं। शादी के बाद ही मुझे मेरे पति ने आईफोन भी गिफ्ट करवाया था, लेकिन ये सब सामान का मैं क्या करूं दोस्तों जब वो इंसान ही मेरे साथ ना रहे। अब हुआ कुछ यूँ कि मेरे पति हमेशा काम में व्यस्त रहते और ऐसे ही मेरी शादी के लगभग 1 साल आने वाले थे। मुझे मेरे पति बिल्कुल टाइम नहीं देते। शादी के बाद से ही मैं ये सब चीज़ों से काफ़ी बोर होने लगी। मेरे पति काफ़ी अच्छे कंपनी में जॉब करते, एक मल्टीनेशनल कंपनी में, जिस वजह से हम बड़े शहर में ही रहते। मेरे घर पे सास ससुर कोई नहीं रहते, बस मैं और मेरे पति। तो मैं खाली समय में अपने पति को छोड़ अपने बीते समय को याद करती कि किस तरह मेरी ज़िंदगी इतनी हसीन चल रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हीं लोगों से दोबारा बात किया जाए, और यही सब सोचकर मैंने फैसला किया कि चलो मैं काम करती हूँ, मैं अपने दोस्तों को कॉल करती हूँ। उनमें सबसे पहले मुझे याद आया राजेश, मुकेश और सनम। तीनों की बात करूँ तो तीनों एक टाइम पे मेरे बॉयफ्रेंड्स रह चुके थे। उन पर फ़ोन कर बातचीत करने पर बहुत ही अच्छा लगा। अब ऐसा लगने लगा था कि वो सच में मुझे भी मिस करते हैं। सनम ने तो कहा यार तुम जब से चली गई हो मतलब ज़िंदगी ही एक अलग मोड़ पे आ गई है, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, मिलो ना। क्योंकि मेरी शादी मेरे गांव वाले शहर से करीब, मतलब जहां मैं रहती थी वहां से करीब 2 घंटे के रास्ते में था, तो सनम ने कहा यार मैं ही आ जाता हूं, अपना एड्रेस बता दो। मैं उसे अपना एड्रेस बताने से पहले बोली तुम भूल गए क्या मैं शादीशुदा हूं? तो उसने कहा भूल तो तुम गई हो कि हाँ तुमने कुछ वादा किया था।
वैसे दोस्तों मैंने सच में उसे वादा तो किया था कि मैं ज़िंदगी में भले उससे साथी ना हूँ लेकिन उसे कभी नहीं भूलूँगी। और यही सब सोचकर मैंने कहा, भूल कैसे सकती हूँ, याद है मुझे आज भी वो हर पल। इस पर उसने कहा कि तो ठीक है एड्रेस भेजो। सनम ने एड्रेस भेजने को कहा और मैंने एड्रेस भेजा। उसने कहा अब मैं कल आता हूँ। मैंने उसे कहा एक काम करना, करीब 11 बजे आना, 11 बजे मेरे पति ऑफिस चले जाते हैं। उसने कहा ठीक है। फिर उसके बाद वाले दिन मैं घर को अच्छे से सजाई। मेरे पति ने कहा आज कोई आने वाला है क्या, इतना अच्छे से घर सजा रही हो। मैंने कहा नहीं, घर पर बोर होती हूँ, सोचा अच्छे लगेगा देखने के लिए घर तो सजा देती हूँ। मेरे पति ने कहा वाह ये तो अच्छी बात है, चलो मैं चलता हूँ। इतना कहकर मेरे पति चल दिया और मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई। एक अच्छा सा कपड़ा पहन के बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तैयार हुई थी। सनम मुझे देखकर बोला यार सच में तुम तो आज भी बिल्कुल नहीं बदली, मैं तो बस खो जाना चाहता हूँ तुम्हें। और इतना कहने के बाद वो मेरे पास आकर मेरे से बातचीत करने लगा। मुझे उसके साथ हर पल बिताना काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन एक बात तो थी दोस्तों, उसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मेरे पति आने से पहले, क्योंकि मेरे पति शाम में 7-8 बजे आते तो वो 6 बजे निकल के चला गया। उसके बाद रोज़ाना कभी सनम तो कभी आशीष तो कभी राजेश मेरे घर आता रहता। मेरी जैसे पुरानी ज़िंदगी बिल्कुल बरकरार थी, अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी उन लोगों से मिलने के लिए। सच कहूँ तो अब मुझे ज़िंदगी अच्छा लगने लगा था, भले ही मेरे पति मेरे साथ वक्त ना बिता रहे हों, लेकिन अपने पुराने दोस्तों के साथ वक्त बिताना बिल्कुल एक अलग ही सा एहसास था। इन सब चीज़ों के बाद मुझे ऐसा शक होता कि कभी कभी मेरे पति को मुझ में शक होता, लेकिन मैं सीधा ऐसा कह देती नहीं, मैं कोई घर पर नहीं आया था। फिर ये सब चीज़ें मुझे बाद में पता चली। एक बार मेरे पति ने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था, स्पाई कैमरा, जिससे कि वो मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ ये सब देख सकूँ। और ये सब चीज़ें उन्होंने तब किया था जब एक दिन मैं पड़ोसी के साथ बाज़ार गई थी। और उस दिन मतलब पड़ोस की रहने वाली रीमा नवाबी के साथ मैं मार्केट गई थी और मेरे पति उस दिन घर पर थे। तो स्पाई कैमरा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि उसके बाद जब राजेश सनम और ब्रजेश आया तो उन सब के साथ मेरी कई वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड हो गई। और जब बाद में मेरे पति ने देखा तो फिर मुझे बहुत सुनाया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी ज़िंदगी, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल टूट गई। सच कहूँ दोस्तों उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी के साथ जो भी मैंने किया था उसे वापस नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं अकेली हूँ क्योंकि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। मैं तलाकशुदा हूँ, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अगर आप मुझे अपनाना चाहते हो, अगर चाहते हो मुझे दोस्त बनाना, तो मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर मैसेज करें और प्रीमियम मेंबरशिप लेकर ग्रुप में जुड़े ताकि मैं आपसे अकेले में बात कर सकूं, तो उससे मेरी भी हेल्प होगी। बस इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय, टेक केयर।